ग्वालियर के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में तैनात सहकारिता विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अबे खरे पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सिंह के अनुसार ज्वाइंट डायरेक्टर अबे खरे ने गुना के गड़ा नागरिक सहकारी बैंक के मैनेजर जितेंद्र शर्मा से रिश्वत मांगी थी। मामला सामने आने के बाद अबे खरे समेत 3 अधिकारियों को निलंबित किए जाने के आदेश दिए हैं, जिसमें अल्टर रविंद्र शर्मा और कॉपरेटिव इंस्पेक्टर राधेलाल जाटव को भी निलंबित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरीके बयानबाजी लगातार चल रही है, उसमें अनुशासन समिति में युवा व्यक्ति अपने आप को शिकायत कर सकते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, आप क्या मानते हैं, यदि आप इसके अध्यक्ष होते तो आप दोनों में से किस पर कार्रवाई करते? जब अध्यक्ष होंगे तब हम निर्णय करेंगे। कमलनाथ जी ग्वालियर से क्यों परहेज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी ग्वालियर से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। कल पिंड में उनकी कार्यक्रम है, ग्वालियर में नहीं। ग्वालियर में कोई कार्यक्रम होगा, ग्वालियर भी आने वाले हैं। एक सवाल और है, शीघ्र ही निकट भविष्य में कमलनाथ जी ग्वालियर में उनका कार्यक्रम होगा। ऐसा है, हस्तक्षेप तो आपका भी है। जिस तरीके से कोई न तो कोई कार्यकर्ता बोल रहा, न कोई एक आध आदमी बोल जाए, तो तालाब में एक आध गंदी मछली तो हो जाती है। ऐसा लगाने वाले हैं, जनता प्रजातंत्र में जिसकी समर्थक होता है उसकी बात करते उनको बुरा लगा तो लगा रही। दिग्विजय सिंह ने पत्र में कुछ नहीं लिखा, मुझे भी पत्र मिला है, केवल दिग्विजय सिंह जी ने जो लिखा था कि किसान आम जनता ने कार्यकर्ता ने हमें कुछ समस्या दी, हमने आपको लिखा है, अब वो हमसे पूछते हैं कि हमारा काम का क्या हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप मंत्री हैं, व्यस्तता है, व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं आपसे आकर अपने आप 3 तलाक पर कानून बनने के बाद भी 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हापुड़ में 3 तलाक का मामला फिर से सामने आया है, जहां शोहर ने 3 तलाक देकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पति ने पीड़िता के नाबालिग रहते उसके साथ दुष्कर्म किया और बालिग होने पर धर्म परिवर्तन कराकर शादी की। आगामी त्योहार मुहर्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अमित किशोर एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र द्वारा देवरिया नगर में पुलिस फोर्स एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फुट पेट्रोलिंग किया गया। एम समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र अंगत फुट पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देश दिया गया। खबरों में बात करते हैं सीतापुर की, जहाँ पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बिना मान्यता के स्कूलों में मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और फीस के नाप पे उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, जबकि बिना किसी मान्यता के वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बार विभाग द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी इन स्कूलों को बंद क्यों नहीं किया गया, ये स्कूल अब तक संचालित क्यों है? बंद करें, हम ये क्यों करेंगे? जैसे कि आपने जैसा कि अभी आपके प्रधानाचार्य जी ने मेरा मोबाइल छीन लिया, मतलब उनको हाँ तो बंद कर देंगे। नहीं, हम क्यों बंद कर देंगे? हमारी क्या पढ़ेगा बंद करने की? तो आप कह रहे हैं। नहीं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, जो है वो आप जाने। जयपुर के राजा पार्क शहर में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पशुओं की संख्या सड़कों पर देखी जा रही है, जिसमें वाहन चालकों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन पशुओं को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।